आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर जिले के मवई गांव का है, जहां आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछड़े वर्ग सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आए हुए लोगों के मनोरंजन के लिए रागिनी कार्यक्रम की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने विपक्ष पर जमकर शब्दभेदी बाण चलाए और बीजेपी को जुमले की सरकार बताते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी अंबानी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है, सारी संस्थाएं बेची जा रही है। बीजेपी सरकार ने चुनाव के समय जितने भी वादे किए थे वे सब ठकोसला बनकर रह गए हैं। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम की आयोजनकर्ता उर्मिला चौधरी ने गांव मवाई की जनता से अपील की है कि ये मेरा गांव है और मुझे इस गांव और क्षेत्र की जनता की सेवा तन मन धन से करनी है। जो मेरे पति गए उन्होंने एक प्रोग्राम ऐसा 2005 में करवाया था, इस क्षेत्र के लिए कुछ करने के लिए। आज मैं उनकी जगह आप लोगों की सेवा करने के लिए आई हूँ। एक बार जोरदार ताली। और मैं जितने भी गांव के इस क्षेत्र के जवान बुजुर्ग मेरी माता बहने और इस क्षेत्र की मिट्टी सबको मैं अपनी परिवार और अपनी पार्टी की तरफ से और अपने पति जो चले गए वो भी कहीं देख रहे होंगे उनकी तरफ से सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ और हाथ जोड़ के सबको बस मुझे माफ कर, अगर मेरे से कोई गलती बोले तो मुझे क्षमा करता। मैं आप लोगों की सेवा के लिए आई हूँ, ना ही मुझे आपका दर्द चाहिए ना मुझे आपकी दौलत। मैं अपना घर द्वार छोड़ कर एक महीने से यहाँ हूँ और मेरी तबीयत इतनी खराब है, जो मेरे गले को आप देख रहे हो कि मैं बोल नहीं पा रही। तो मैं अपनी माता बहनों से चाहती हूँ कि आप, मैं साल में 2 बार यहाँ आपकी सेवा में भंडारे के लिए आती हूँ और बीच बीच में भी आती रहती हूँ। तो मैं अपनी माता बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारे देश के हालात हैं, हमारे देश के जो हालात हैं, जो बीजेपी सरकार ने किया, हमारी पिछड़ा वर्ग जो सब किसी भी गरीब आदमी को लिए आप सबकी रोजी रोटी रोजगार नौकरी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।